नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं तान्या अनेजा और टेक्निकल गपशप के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जहां हम आपको टेक्निकल मार्केट आउटलुक का डिस्कस करते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि कौन से वो ऐसे लेवल्स हैं जिन पर आपकी नज़र होनी चाहिए, और साथ ही साथ 5 ऐसे स्टॉक आइडियाज़ भी बताते हैं जिन पर नियर टर्म के लिहाज से आप रख सकते हैं अपनी नज़र। तो देखिए, अगर हम मार्केट्स की बात करें तो एक जो गुड न्यूज़ है मार्केट्स में वो ये है कि हमने देखा है कि 26 अप्रैल से अगर आप देखें तो जो FII का बाइंग ट्रेंड है, बाइंग स्प्री है, वो कंटिन्यू हमें होती हुई दिखी है, और कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव जो ट्रिगर है वो भी मार्केट्स के लिए बना हुआ है। हालांकि हमने देखा है कि एक रेंज में मार्केट्स बनी हुई है, जो तेज़ी हमने आती हुई देखी है उसके बाद हमने देखा है कि अभी फ़िलहाल मार्केट्स जो है वो रेंज बाउंड है, और फ्राइडे के सेशन में हमने प्रॉफिट बुकिंग आती हुई भी देखी है। इनफैक्ट अगर आप थर्सडे की एक्सपायरी की भी बात करें तो वो भी लाल निशान में ही होती हुई हमें नज़र आई है। एक अच्छा इंपॉर्टेंट ट्रेंड ये भी है कि जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, और अगर आप म्यूचुअल फंड डेटा जो लेटेस्ट है उसकी तरफ भी नज़र डालेंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि जो इनफ्लोज है वो स्मॉल कैप स्टॉक्स की तरफ आते हुए ज़रूर दिख रहे हैं। और देखिए, कर्नाटका के जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं उन पर तो हम अपनी नज़रें बनाए हुए हैं और उनसे जुड़ी जो ताज़ा अपडेट्स हैं वो आपको मिलती ही रहेंगी, पर ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आगे चलकर मार्केट्स की चाल कैसे रहने वाली है, कौन से वैसे लेवल्स हैं जो आपकी लिस्ट में शामिल होने चाहिए। और यही सब डिस्कस करने के लिए हम फटाफट से जो हमारे मेहमान हैं उन्हें शामिल कर लेते हैं आज के शो में। हमारे साथ जुड़े हैं प्रशांत थापसे, जो कि मेहता इक्विटीज़ में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है रिसर्च के। थैंक यू सो मच प्रशांत, वंस अगेन आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप हमारे साथ आज यहाँ पे जुड़े। तो फ्राइडे के सत्र में हमने देखा है प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नज़र आई है, एक्सपायरी भी लाल निशान में हुई है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से जो बाइंग हो रही है वो कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव है इंडियन मार्केट्स के लिए, पर ऐसे में कौन से लेवल्स हैं जो आपकी लिस्ट में शामिल है और मार्केट्स आपको किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है अगर हम नियर टर्म की बात करें? ओवरऑल मार्केट्स पॉजिटिव मूड में ही रहा है। अगर लास्ट अप्रैल से देखेंगे, जब से RBI ने जो पॉज चार्ज लिया हुआ है मार्केट्स में, RBI इंटरेस्ट रेट पे, तब से मार्केट ने अच्छा मोमेंटम दिया हुआ है। अप्रैल में हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 4% के आसपास मार्केट ने परफॉर्मेंस किया हुआ है और मे परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर टेक्निकल लेवल्स देखते हैं तो 18,180 लेवल्स और 18,000 मार्केट्स, अगर रेजिस्टेंस देखते हैं तो 18,400 और 18,000 ये दो लेवल रहेंगे मार्केट को वॉच करने के लिए। सबसे बड़ा जो न्यूज है जो कर्नाटक इलेक्शन का आउटकम है, वहां पे अगर कांग्रेस ने अगर कुछ सीटें ले ली तो वहां पे थोड़ा मार्केट में प्रेशर आएगा, जहां पे सपोर्ट जो है 18,180 का वो टूट सकता है और 18,000 का जो लेवल जो है वहां पे तक आ सकता है। अगर BJP के चांसेस मिले तो फिर अगेन 18,400-18,500 तक ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ओके, एब्सोल्युटली, तो ये लेवल्स पर अपनी नज़र बनाए रखिए। और एक मेटल सेक्टर भी प्रशांत काफ़ी फोकस में बना हुआ है, हमने देखा है कि काफ़ी सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म किया है मेटल स्टॉक्स ने, और जो परफॉर्मेंसेस भी रही हैं कंपनी की वो वीकर देन एक्सपेक्टेड ही रही हैं। तो ये जो डेटा आया है अभी मैक्रो डेटा चाइना की तरफ से, उस डेटा ने भी कहीं ना कहीं जो सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट ज़रूर किए हैं मेटल सेक्टर। इनफैक्ट फ्राइडे के सत्र में भी अगर आप देखें तो अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो आपकी सेक्टर पर क्या राय है, कोई ऐसी स्टॉक्स जो बाय ऑन डिप्स पर आपको नजर आ रहे हो अभी, और आगे चलकर ये सेक्टर नियर टर्म के लिहाज से आपको कैसे दिख रहा है? तो अगर हम देखें स्टील सेक्टर लास्ट टू डेज से अंडर प्रेशर ही रहा हुआ है। दो तीन इकोनॉमिक डेटा से, एक तो PMI डेटा जो चाइना का है जो खराब आया हुआ है, हायर इन्वेंटरी डेटा भी थोड़ा सा उनका वीकर देन एक्सपेक्टेड आया हुआ है, प्लस पूर डिमांड इन चाइना, प्लस अगर उनको देखेंगे तो ग्लोबली स्लोडाउन की जो बातें चलती हैं, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है और स्टील जो मेजर पार्ट ऑफ दी सेक्टर रहेगा, तो वहां पर थोड़ा प्रेशर आ रहा है। ग्लोबल में प्रेशर रहेगा ही, डोमेस्टिक मार्केट्स में आई थिंक थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम है डिमांड सप्लाई के हिसाब से। तो सेल एक अच्छा कंपनी है जो डोमेस्टिक फोकस्ड है, तो मेरा एक प्रिफर्ड रहेगा सेल रहेगा। और टाटा स्टील का अगर देखोगे तो उनके अच्छा कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डोमेस्टिक बिजनेस पॉजिटिव रहेगा, ओवरऑल ग्लोबल प्रेशर रहेगा स्टील प्राइसेस पे, तो स्टील इज माय प्रेफर्ड पिक फॉर द सेक्टर। ओके, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस स्टॉक पर आप अपनी नजर रख सकते हैं। और चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं जो 5 टेक्निकल स्टॉक आइडियाज है, उसके बाद कुछ ऐसे सेक्टर्स भी डिस्कस करेंगे जो आपकी लिस्ट में अभी शामिल हैं। तो कौन से 5 ऐसे टेक्निकल स्टॉक आइडियाज हैं जिन पर आप आज अपनी नजरें बनाए हुए हैं और जो नियर टर्म के लिहाज से हमारे दर्शकों को दे सकते हैं अच्छे रिटर्न? तो मेरे रैडर में 5 स्टॉक्स में पहला स्टॉक है CESC कलकत्ता इलेक्ट्रिकल, जो कि ऑलमोस्ट
रुपीज के आसपास चल रहा है, तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस ऑफ 66 के आसपास स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करते हैं और एक टारगेट ऑफ 80-85 एक वेरी नियर टर्म के लिए अच्छा मोमेंटम मिल रहा है। और सेकेंड स्टॉक रहेगा ACC, द बेस्ट सीमेंट सेक्टर स्टॉक, अभी 1820 के आसपास चल रहे हैं और 1800 के नीचे अगर एक स्टॉप लॉस रख के और 1865 और 1880 के आसपास अगर एक टारगेट मान के ट्रेड करते हैं तो ACC में अच्छा मोमेंटम आने के चांसेस है। थर्ड स्टॉक रहेगा SBI बैंक, उनके रिजल्ट आने भी बाकी है 18 मई को, तो 575 रुपीज के आसपास अगर पोजीशन कोई लेता है विद स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 560 के आसपास और टारगेट ऑफ 600 and 615 SBI वुड बी प्रेफर्ड पिक फॉर ए PSU बैंक। और L&T मेरा फोर्थ पिक रहेगा, जिस तरीके से रिजल्ट्स के बाद जो सेल ऑफ आया हुआ है थोड़ा सा मार्जिन मिस हुए हैं इसमें, बट 2200 के आसपास अगर कोई पिक लेते हैं यहाँ पे 2150 के आसपास स्टॉप लॉस के हिसाब से और 2400 एक अच्छा अपसाइड है स्टॉक में L&T में, तो ये ले सकते हैं। फिफ्थ स्टॉक रहेगा मेरा HDFC बैंक, प्राइवेट बैंक में जो बेस्ट बैंक है, 1650 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है और 1600 का एक मिनिमम स्टॉप लॉस मेंटेन करके 1720 और 1715 के हिसाब से एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल, CESC, ACC, SBI, L&T एंड HDFC बैंक, ये वो तमाम पांच ऐसे स्टॉक टेक्निकल आइडियाज़ हैं जिन पर आप अपनी नज़र रख सकते हैं। और जाते जाते प्रशांत, सेक्टर्स के बारे में भी एक बार डिस्कस कर ही लेते हैं, कौन से वो ऐसे सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि नियर टर्म के लिहाज से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और कौन से वो ऐसे सेक्टर्स हैं जिनसे अभी हमें दूर रहने की ज़रूरत है? इस तरीके से स्टील से हमने बात की है, तो स्टील सेक्टर थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स वीक रहेंगे, स्लोडाउन के जो बातें होती है उससे स्टील से थोड़ा अवॉइड रखना चाहिए ग्लोबल स्टील कंपनीज। अगर प्रिफर्ड सेक्टर्स रहेंगे तो मेरे रडार में अभी होटल सेक्टर से एक अच्छा सेक्टर लग रहा है, जिस तरीके से इंडिया जो टूरिज्म हब बनने वाला है जाके, तो इंडियन होटल एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे इन्वेस्टर बेट कर सकते हैं। और जिस तरीके से जनवरी में 24th को जो राम मंदिर का जो उन्होंने डेट अनाउंस किया हुआ है, आई थिंक ग्लोबली बहुत सारे पैसेंजर्स इंडिया में आने वाले हैं, तो उनके लिए होटल्स बेस्ट प्लेस टू लिव इन, तो वहाँ पे उनके लिए एक अच्छा मोमेंटम मिल जाता है। सेकेंड सेक्टर रहेगा ऑटो सेक्टर, टाटा मोटर्स एक अच्छा स्टॉक लगता है, आज उनके रिजल्ट रिव्यू है और पहली बार 6 साल के बाद उनका एक डिविडेंड आने का रखा हुआ मार्केट में। और सेकेंड स्टॉक ऑटो सेक्टर में अशोक लीलैंड भी मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे ऑलमोस्ट 10-15% मोमेंटम के लिए। तो टू स्टॉक्स इन ऑटो सेक्टर, वन इज टाटा मोटर्स एंड अशोक लीलैंड, एंड इन होटल सेक्टर इंडियन मोटर्स। ओके, तो ये वो तीन स्टॉक्स हैं जिन पर आप अपनी नज़र रख सकते हैं। और इसी वंडरफुल नोट पर थैंक यू सो मच प्रशांत, आपने ये तमाम जो स्टॉक आइडियाज़ हैं ये आज हमारे साथ शेयर करे और आज हमारे साथ इस शो में आज आप शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी के साथ वक्त है हम अपने जो टेक्निकल गपशप के ये एपिसोड है उसको आज यहीं समेटें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, पर देखिए हमारे जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, उन पर फॉलो करना हमें बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके पास जो भी स्टॉक फीडबैक है, क्वेरीज हैं, वो भी हमसे ज़रूर शेयर करिएगा। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, अभी के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।